कोटा की आध्यात्मिक संस्कृति शिक्षा सेवा और समर्पण की धरती पर मुझे बहुत प्रसन्नता है कि शिव ज्योति परिवार जिन्होंने संपूर्ण परिवार ने देश और धर्म के लिए अपने आप को समर्पित कर रखा है, साध्वी जी के प्रवचन से देश के अलग अलग राज्यों के अंदर आध्यात्मिक और संस्कृति का संदेश पहुंचाने का काम किया। इस परिवार के संस्कार ही अत्यंत धार्मिक और संस्कृत संस्कार है, इसलिए चाहे शिक्षा का मंदिर चलाना हो, चाहे सेवानिवृत्त कर्मचारियों के जीवन के अंदर सामाजिक और उनकी एकता और संगठित कार्य से उनके अनुभवों का लाभ समाज को मिले, इसके लिए रमेश गुप्ता जी भी लगातार प्रयास करते रहते हैं और इसी प्रयास की कड़ी में कोटा में पहली बार 51 कुंडीय लक्ष्मी महायज्ञ का आयोजन हो रहा है। आज ध्वजारोहण के साथ इस कार्यक्रम की मंगल शुरुआत है। और मंगल शुरुआत के साथ ही हम संपूर्ण समाज को जोड़कर इस महायज्ञ में आहुति देंगे, लोगों के जीवन में समृद्धि और खुशहाली की प्रार्थना करेंगे और हमारा वातावरण शुद्ध हो, हमारे जीवन में आध्यात्मिक संस्कृति सेवा का संकल्प हो, इसके साथ इस यज्ञ की शुरुआत होगी। यज्ञ हमारी प्राचीनतम संस्कृति का महत्वपूर्ण रूप से हमेशा से देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग पूजा पद्धतियों में भी यज्ञ का बड़ा महत्व है, इसलिए हम जब हमारी प्राचीन संस्कृति और आध्यात्मिक ज्ञान को देखते हैं किस तरीके से संतों ऋषियों ने यज्ञ के माध्यम से इस समाज के अंदर इस सृष्टि के अंदर आध्यात्मिक संस्कृति और पर्यावरण शुद्धता के साथ व्यक्ति अपने आप को समर्पण करे, यह हमारी यज्ञ की बहुत पुरानी संस्कृति है। और मुझे तो खुशी है कि रमेश गुप्ता जी लगातार रोजाना अपने जीवन का काफी समय यज्ञ के अंदर व्यतीत करते हैं और इस मौके पर मैं इतना ही कह सकता हूं
कि हम सबको इस यज्ञ की महान आहुति में जुड़ना चाहिए, समाज के सभी तबकों को, लोगों को हम प्रयास करें कि ये महायज्ञ अस्मरणीय रहे और सबके प्रयासों से, सब समाजों के प्रयासों से लोगों के जीवन में आध्यात्मिक और संस्कृति का संदेश जाए। जहां जहां भी धर्म आध्यात्मिक संस्कृति होगी वहां पर वो देश, वो प्रदेश खुशहाल होगा, समृद्ध होगा और भगवान के चरणों में अपने को समर्पण कर हम खुशहाली और समृद्धि की कामना करेंगे। आज के ध्वजारोपण कार्यक्रम की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई।